नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ का डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ़ साइन वाई इक्वल टू हम लोगों को दिया गया एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, देन सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन में कॉस है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, देखिए साइन वाई इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई। देखिए साइन वाई इक्वल टू क्या है, एक्स कॉस ए प्लस वाई। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को साइन वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे राइट साइड में यहाँ वेरिएबल क्या है, राइट साइड में वेरिएबल है वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट, देखिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डी अपॉन डी वाई ऑफ एल एच एस यानी कि एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी वाई ऑफ, ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई। क्यों, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते थे डी अपॉन डी एक्स होता था, अब यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाएगा डी अपॉन डी वाई। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए देखिए डी से एक्स को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन टूल लगेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है, ये यू है और ये भी, तो क्वेश्चन टूल क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर में क्या होता है भी का स्क्वायर, तो भी का वैल्यू कितना है, यह है कॉस ए प्लस वाई, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी न्यूमेटर में भी यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई ऑफ यू, यू कितना है साइन वाई, माइनस यू यानी कि साइन वाई इंटू डी अपॉन डी वाई ऑफ भी यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस वाई, कॉस ए कॉस ऑफ ए प्लस वाई। फिर यहाँ समझिए दोस्तों क्वेश्चन टूल क्या कर रहा था, भी का स्क्वायर फिर भी इंटू डी वाई डी वाई ऑफ यू फिर माइनस यू इंटू डी वाई ऑफ भी, मतलब पहले भी का स्क्वायर होगा फिर भी बाहर होगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि यू का डिफरेंशिएशन होगा फिर माइनस यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन। ये तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे क्वेश्चन टूल क्या होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू, देखिए कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो इस तरह से साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस वाई। देखिए वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इसलिए यहाँ पर वन हो जाएगा, फिर माइनस साइन वाई एज इट इज इंटू डी बाई डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई। अब दोस्तों देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कॉस के बाद समझिए जो कुछ भी है ये क्या है एक्स है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो जगह माइनस साइन एक्स, एक्स का जगह कितना है ए प्लस वाई इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा ए प्लस वाई का, ए प्लस वाई में क्या ए कांस्टेंट है बाहर एक, देखिए यहाँ पे ए प्लस वाई डी वाई ऑफ ए प्लस वाई कितना हो जाएगा डी वाई ऑफ ए क्या हो जाएगा जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, डी वाई ऑफ वाई तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। आगे देखिए तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, देखिए ये माइनस और इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन वाई इंटू साइन ए प्लस वाई अपॉन में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू, अब दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई है इंटू कॉस वाई, इसको समझिए कि ए है ये बी, ये हो जाएगा ए
और ये हो जाएगा बी। इसको थोड़ा सीधा करके लिख सकते हैं आप, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पे साइन ए इंटू साइन, आप इसको थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई पहले है ना, तो ए प्लस वाई को आप पहले लिख लीजिए इस दोनों में से, ठीक है। या आप ऐसे भी रखिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। इसको सीधा करके लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाए कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन में ये हो जाए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ पर दोस्तों समझिए कि ए प्लस वाई को समझिए कि ए है, वाई समझिए कि बी है, ये हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा हम लोग कॉस ए माइनस बी। तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है ए प्लस वाई माइनस बी कितना है वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ध्यान लिख लीजिए कि डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब दोस्तों देखिए जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी। देखिए यहाँ पर जो हम लोग प्रूफ करना है क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इतना, लेकिन हम लोगों को आया है यहाँ पे क्या, डी एक्स अपॉन डी वाई। इसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन अपॉन में डी वन अपॉन में हो जाएगा डी एक्स अपॉन में, देखिए इसका रेसिप्रोकल करें तो हो जाएगा वन अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा वन अपॉन में कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। रेसिप्रोकल कर दी दोनों का, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कॉस ए। और यही दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा।